कोरोना वायरस फैल रहा है जानवरों से इंसानों में और फिर इंसानों से इंसानों में। क्या कोरोना वायरस चीन के बायो वेपन प्रोग्राम जैविक हथियार प्रोग्राम का ही नतीजा है या ये चीन के इलीगल वाइल्ड लाइफ सी फूड मार्केट में पनपा कुदरत का एक ऐसा चाबुक है जो मानव जाति की चमड़ी पर मैल की तरह जमी प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने की आदत के चीथड़े उड़ा सकती है। क्या यह चीन की सबसे बड़ी भूल है जो उसे बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है? क्या चीन खुद अपने ही खोदे गड्ढे में गिरने वाला है? बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम कोरोना वायरस को लेकर इंटरनेट पर फैली उस हर अफवाह के चीथड़े उड़ाएंगे जो लोगों को सिर्फ गुमराह कर रही है लेकिन असलियत से कोसों दूर है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। मानव जाति पर कोरोना फैमिली के वायरस का यह कोई पहला बार नहीं है। इस सदी में ऐसा दो बार पहले हो चुका है, सार्स और MERS नाम के दो कोरोना वायरस स्ट्रेन्स के आउटब्रेक के दौरान, और अब सामने आया है कोरोना वायरस का वुहान स्ट्रेन जो चीन मेनलैंड के हुबेई प्रोविंस के वुहान सिटी से फैलना शुरू हुआ। इस नए कोरोना वायरस आउटब्रेक का एपिसेंटर यानी जहां सबसे पहले इस वायरस के होने की पुष्टि हुई, जहां सबसे पहले इस वायरस ने इंसानी जान ली, जहां सबसे अधिक लोगों को इस वायरस ने शिकार बनाया, वो एपिसेंटर था चीन का वुहान शहर। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडानोम गेब्रेसस ने बताया कि कोरोना वायरस का वुहान स्ट्रेन हालांकि सार्स वायरस के जितना डेडली नहीं है, लीथल नहीं है, पर वुहान स्ट्रेन का ये कोरोना वायरस फैल बहुत तेजी से सकता है। सबसे डरावनी बात यह है कि अब तक रिसर्चर्स के पास कोई सोर्स ऑफ ओरिजिन नहीं है, यानी कि इस वायरस का सोर्स अब तक फाइनल पता नहीं चल पाया है। अब तक ये नहीं पता चल पाया है कि इस वायरस से जो बीमारी होती है उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है। कहा जरूर जा रहा है कि यह मरीज के छींकने खांसने से, क्लोज कांटेक्ट में आने से, साझे बर्तन इस्तेमाल करने से फैल रहा है, पर अब तक कुछ पुख्ता पता नहीं चल पाया है कि इस वायरस का मोड ऑफ स्प्रेड यानी कि ये फैल किन किन रास्तों से सकता है। सबसे भयावह बात यह है कि इस वायरस की वैक्सीन बनने में अभी भी कम से कम कई महीनों का समय तो जरूर लगेगा, और तब भी पहली वैक्सीन जो बनेगी वो मानवों पर सिर्फ टेस्ट की जा सकेगी, मात्र टेस्ट, फाइनल वैक्सीन नहीं। और तब तक इस वायरस से बचाव का एकमात्र जरिया है इसके फैलने को रोकना, जिसके लिए चीन ने वुहान समेत देश के 16 शहरों को लॉकडाउन कर दिया है। चीनी इतिहास का ये सबसे बड़ा लॉकडाउन है, इवन मनुष्य इतिहास का, मानव इतिहास का ये सबसे बड़ा लॉकडाउन है। क्वारंटीन कर दिया है चीनी प्रशासन ने, ना कोई सिविलियन अंदर जा सकता है ना बाहर आ सकता है। इससे वहां के 3.5-5 करोड़ नागरिक बुरी तरीके से प्रभावित हो चले। अगर बड़ा आउटब्रेक हुआ तो सबकी जान खतरे में है, ये मानकर चलिए। ऐसा केवल चीन जैसे देश में ही हो सकता है जहां डेमोक्रेसी का नामो निशान नहीं। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की पटकथा सा लगता है, लेकिन रुकिए, अभी कई पेंच बाकी। हाल ही में एक बड़ी खबर एक बड़े ही डेकोरेटेड न्यूज पोर्टल से आई थी, द वॉशिंगटन टाइम्स। वॉशिंगटन टाइम्स के स्पेशल रिपोर्टर जो कि एक एक्स इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, उन्होंने एक सनसनीखेज खुलासा किया। उनके मुताबिक चीन का वुहान शहर केवल सी फूड के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि वहां चीन की कुछ बेहद बड़ी बायोलॉजिकल रिसर्च लैब्स भी है, जिनमें मुख्य है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। पूर्व इजरायली खुफिया ऑफिसर ने वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा है कि उन्हें संदेह है कि चीनी मिलिट्री बायोलॉजिकल वॉरहेड बनाने के लिए, जैविक हथियार बनाने के लिए वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की मदद ले रही थी, और तभी एक्सीडेंटली कहें या इंटेंशनली कहें, कोरोना वायरस का यह स्ट्रेन किसी तरह लापरवाही के चलते रिलीज हो गया और आज पूरे चीन में WHO ने Level 3 की इमरजेंसी लागू कर दी है। हालांकि इस बात की पुष्टि करने से खुद वॉशिंगटन पोस्ट और लेखक डैनी शोहैम भी पीछे हट रहे हैं, लेकिन वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के चीनी गवर्नमेंट के साथ बायो वेपन प्रोग्राम के साथ होने से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, संदेह तो रहेगा, और वो क्यों रहेगा इसके पड़ताल हम यहां कर रहे हैं। अब जरा गौर से घटनाक्रम की इस टाइमलाइन पर नजर मारें। वुहान शहर में पहला केस दिसंबर 8 तारीख को रिपोर्ट हो गया था, लेकिन फिर भी वुहान म्युनिसिपल हेल्थ कमीशन ने कोई एडवाइजरी जारी नहीं की, केस को दबाया गया, कई हफ्तों तक सिचुएशन के क्रिटिकल पोजीशन को छुपाया गया, न्यूज कवरेज को रोका गया। चीन सरकार चाहती तो एडवाइजरी निकालती, लोगों को अवगत कराती कि बीमारी फैलने वाली है, लेकिन उन्होंने इस तथ्य को ही दबा दिया। 59 केसेस रिपोर्ट हो गए। हेल्थ केयर प्रोफेशनल मरीजों की देखभाल करने वालों में भी कोरोना वायरस की चपेट में कुछ लोग आ गए, तो भी 5 जनवरी तक चुप्पी साध रखी थी चीनी प्रशासन ने, जैसे वो ये बात इंटरनेशनल मीडिया से बचाए रखने वाले थे या ये चाहते तो थे।
चीनी प्रशासन ने इस महामारी की जानकारी को 11 जनवरी तक दबाए रखा, तब भी जब पहली मौत हो चुकी थी इस वायरस के फैलने से। चीनी सेंसरशिप ने पब्लिक डोमेन से इस न्यूज को पूरी तरह सैबोटाज कर दिया। ये खबर ही गायब हो गई क्योंकि चीनी सेंसरशिप इंटरनेट पर काफी सख्त है। लेकिन फिर 20 जनवरी को चीजें हाथ से बाहर निकलने लगी और कोरोना वायरस के आतंक की खबर दुनिया भर में आग की तरह फैल गई। 136 केसेस रिपोर्ट हो चुके थे और तब तक चीनी सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था इस इन्फॉर्मेशन को पब्लिक करने के अलावा। जरा देखिए इस टाइमलाइन को, क्यों कोई सरकार अपने ही नागरिकों की जान जोखिम में डालेगी अगर कोई कारण सोर्स ऑफ फॉल्ट खुद उसी के अंदर न हो। इस बात की पुष्टि होना बड़ा मुश्किल है कि वुहान स्ट्रेन खुद चीनी एजेंसियों ने तैयार किया था बायोवेपन प्रोग्राम के तहत, लेकिन वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का इस वायरस के एपिसेंटर में होना सवाल तो खड़े करेगा ही करेगा। एक और बड़ा एस्पेक्ट है कोरोना वायरस का कि चमगादड़ों के सूप पीने से लोगों में फैला, लेकिन असलियत तो यह है कि खुद WHO के डायरेक्टर ने यह पुष्टि कर दी है कि सोर्स का अभी तक पता नहीं चला है। चमगादड़ों में वायरस फैलाने की तासीर जरूर होती है, लेकिन कोरोना वायरस किस वाइल्ड लाइफ जीव की स्पीशीज से फैला इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। हाँ, ऑफिशियल रिसर्चर्स की माने तो ये वायरस इलीगली पकड़े गए सी फूड से या फिर जानवरों से फैली है, यानी कि प्रतिबंधित जानवरों के इलीगल मार्केट में उपलब्ध किसी जानवर से ये वायरस इंसानों में आया है। ये अपने आप में बड़ी बात है। आपको याद होगा SARS वायरस SARS सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम पैदा करने वाला वो वायरस, इसका भी एपिसेंटर चीन में था। SARS वायरस भी कोरोना वायरस फैमिली का ही वायरस था। मतलब क्या निकाला जाए इसका, उन जानवरों को जिन्हें दुनिया का बाकी समाज खाना पसंद नहीं करता उसे चीनी चाव से खाते हैं। क्या लगता है आपको, क्या यही वो रूट बना है कोरोना वायरस का एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में जंप करने का? वुहान स्ट्रेन तेजी से म्यूटेट हो रहा है, अपने होस्ट में जीने के लिए अपने आप को अक्लेमेटाइज कर रहा है, अपने अंदर ऐसे बदलाव ला रहा है जिससे वो जानवरों से इंसानों के शरीर में भी आसानी से न सिर्फ प्रवेश कर सके बल्कि उनके शरीर में आसानी से जी सके और दूसरे इंसानों में भी प्रवेश कर सके। थर्ड जनरेशन विरुलेंस कहा जा रहा है इसे। ये वायरस चीन की बायोवेपन प्रोग्राम से निकला हो या प्रतिबंधित इलीगल जानवरों का मांस खाने से, अब यह चीन के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। और अगर चीन इसी तरह दुनिया से बिना मदद लिए कोरोना वायरस से लड़ता रहा, वो भी गलत तरीके से, तो ये कोरोना वायरस ग्रहण की तरह पूरी मानव जाति को अपनी चपेट में ले सकता है। ये देखिए कोरोना वायरस के एक सिंगल वीरियन को, इसकी सतह पर लगे प्रोटीन के रॉड्स देख रहे हैं आप, और अब देखिए इस तस्वीर को जो सूर्य ग्रहण की है, एक्लिप्स की है। ग्रहण के समय जो सूर्य की रोशनी चारों ओर से फैलती है उसे कोरोना कहते हैं, और वैसी ही कुछ संरचना इस वायरस की भी दिखाई देती है, इसीलिए इसे कोरोना नाम दिया गया है। क्या लगता है आप, क्या चीन अपने ही खोदे गड्ढे में गिर गया है? अगर कोरोना वायरस चीन के बायोवेपन प्रोग्राम का सच में हिस्सा था तो क्या विज्ञान अपने आप को परिष्कृत करने के चक्कर में पूरी मानव जाति को लीन सकता है, या फिर प्रकृति ने मानव को छोटा दिखाने का रास्ता खोज लिया है, चीनियों के प्रतिबंधित एंडेंजर्ड स्पीशीज के जानवरों को खाने की लत का बदला लिया है? ये सवाल आप सबके लिए है। आशा करते हैं आप सब कमेंट सेक्शन में एक स्वस्थ डिस्कशन करेंगे। आपको बता दें अभी तक भारतीयों को इस वायरस से डरने की कोई जरूरत नहीं, और प्रार्थना है कि वुहान स्ट्रेन का वायरस जल्द ही कंट्रोल कर लिया जाए। इस संदेश को जितना हो सके हर भारतीय तक फैला ताकि डर न फैले, लेकिन प्रकृति का महत्व और विज्ञान का स्थान भारतीयों को जरूर समझ आए। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस पेज के साथ। धन्यवाद।